हेलो एवरीवन माय नेम इज वर्दानकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैन ऑफ सो भाई मैन ऑफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडार गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तो तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आज फॉर एनीथिंग यू कैन आस फॉर सीबीएसई बोर्ड यू कैन कैस फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस फॉर एनटीएससी यू कैन आस फॉर ओलंपियाड्स यू कैन आस फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐप पे

नैंड गेट बिल्कुल नॉर गेट जैसा ही है और एंड गेट जैसा ही है मतलब यहां पे जो प्रिंसिपल है हम नॉर वाला ही लगा रहे हैं नॉर क्या था इससे पहले वाली वीडियो में नॉर गेट देखा है ना हमने नॉर क्या था नॉट और नॉट और और को मिक्स कर दिया वैसे ही नैंड है नॉट और एंड को मिक्स कर दिया तो नैंड मिल गया हमें तो नैंड गेट बेसिकली क्या है नॉट एंड एंड गेट है साथ में मिला हुआ ठीक है सो नैंड गेट आपको नॉट और एंड मिला के मिलने वाला है गेट नैंड गेट ठीक है अब इसके लिए नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन तो दोनों पता होने चाहिए तो दोनों बेसिक गेट्स आपको पता होने चाहिए तो और इससे पहले नॉर गेट भी देख लो तो आपको आइडिया भी क्लियर हो जाएगा तो यार अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार देख लिंक्ड

ठीक है तो इससे पहले बेसिक गेट्स मतलब थियोरम्स कवर करने से पहले हमने बेसिक गेट्स कवर कर रहे हुए, and, or, and not, वो देख क्या हो, और इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो इज योर नॉर गेट वो जरूर देख के आओ उससे चीजें क्लियर होंगी बाकी उस प्लेलिस्ट में सिर्फ बुलियन लॉजिक ही नहीं बाकी और भी सारे चैप्टर्स अवेलेबल है आप किसी भी चैप्टर को फेच कर सकते हो तो किसी भी चैप्टर पे जाके कोई भी टॉपिक आपको जो भी देख रहे हैं वो आप सर्च कर सकते हो वो सब आपको मिल जाएगा ठीक है फॉर नाउ अभी हम जरा नाइंड गेट पर आते हैं और ये किसका टॉपिक है ये बुलियन लॉजिक का टॉपिक है तो बुलियन लॉजिक के लिए एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि ये जो बुलियन लॉजिक है ये आपको एनसीआरटी में नहीं मिलेगा बिकॉज ये एनसीआर का चैप्टर नहीं है बुलियन लॉजिक एनसीआर का चैप्टर नहीं है ये सी बी एस ई ने स्पेशली आपके करिकुलम में रिलीज किया था ताकि आप इसके बारे में जान सको बिकॉज बुलियन लॉजिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि सीपीयू के अंदर ए एल यू कैसे काम करता है ये आपको बुलेन लॉजिक पढ़ के ही समझ में आएगा तो बुलन लॉजिक इज इंपॉर्टेंट तो बुलियन लॉजिक समझिए ठीक है इसीलिए हम यहाँ पे नाइंड गेट पढ़ रहे हैं

कोर्स वाइज कोई भी सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो कोई भी टॉपिक ढूंढ सकते हो उस पर्टिकुलर नाम के आगे प्ले के नाम के आगे उसकी लिंक मिलेगी उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाओगे जहां पर आपको कंप्लीट प्ले मिल जाएगी तो इस तरीके से आप कंप्लीट प्ले को फेच कर सकते हो ठीक है अब एक बार कंप्लीट प्ले आपको मिल गई तो कंप्लीट प्लेलिस्ट मतलब सॉरी मतलब कोई भी आपको मिल गई तो उसके बाद कोई भी वीडियो ढूंढने में तो आपको दिक्कत होगी नहीं कोई भी आपने प्ले ढूंढ ली तो वीडियो तो मिली जाएगी उसकी उसमें ठीक है चलो तो इस तरीके से आपकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट के सबका समाधान हो गया ठीक है नाउ नाइनड गेट तो नाइन गेट देखने वाले बट नाइन गेट से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए वह चीज़ के यार जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनी है एक है मैग्नेट ब्रेन्स एक है पाबली मैग्नेट ब्रेन्स के एडिटेक प्लेटफॉर्म है पाबली क्या है सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहाँ हमें कंटिन्यूअस्ली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है राइट right? तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो आप में वो स्पार्क है हमारे साथ एक कोस्टर जाने के लिए तैयार हो सो अप्लाई हेयर इट इज वेरी इजी

ऐसा नहीं है कि यार ये दो दिन का प्रोसेस है कि दो दिन में बस हमने डेवलपर हायर किया और फिर हम चल दिए नो दैट इज नॉट द सीन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है तो यार अगर आ, अगर आप इन अपकमिंग ईयर्स भी अप्लाई करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बिकॉज डेवलपर्स की जरूरत हमें पड़ती रहती है तो एक्वायर द स्किल्स एंड अप्लाई है कभी फेल हो तब भी जस्ट कीप वर्किंग एक्वायर मोर स्किल्स एंड अप्लाई है और स्किल्स आप मेरे सब्जेक्ट से सीख सकते हैं ठीक है और बाकी अगर आपके जान पहचान में कोई है जो डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड है सो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम ओके सो कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज नैंड गेट नाउ व्हाट इज नैंड गेट दिस इज नॉट प्लस एंड गेट तो नॉट और एंड को मिला दिया तो नॉट नैंड गेट मिल गया सो नैंड गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल अगेन यहां पर भी क्या है अगर नैंड गेट है या किसी भी गेट की अगर मैं बात करूं नाउ अभी तक जो भी हमने पढ़े उसमें एक्सेप्ट फॉर नॉट गेट इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं नॉट हटा देना

तो आउटपुट इज जीरोज वन उल्टा हो गया ना बिल्कुल Nand and तो Nand क्या? And Thus, inputs, तो अगर एक सही अगर सारे ही वन हो जाए तो ये आउटपुट जीरो देगा अदरवाइज फॉर एनी अदर इनपुट कॉम्बिनेशन इट प्रोड्यूस वन आउटपुट तो अगर एक भी जीरो आ जाए तो ये आउटपुट क्या दे देगा आपको वन दे देगा

ठीक है एक्स वाई जेड मल्टीपल इनपुट कितने भी हो सकते हैं फॉर फॉरनाओ दो ले लेता हूं मैं अब ये क्या करता है आउटपुट करता है ये जो आउटपुट करेगा ये क्या होगा एक्स डॉट वाई होगा बेसिकली ठीक है मतलब ये एंड गेट है तो एंड गेट की तरीके से एक्स डॉट वाई आउटपुट कर दिया इसने अब इसमें हम लगा देते हैं आगे क्या इन्वर्टेड सिंबल तो आगे हम इसके क्या लगा देते हैं इन्वर्जन का सिंबल लगा सकते हैं विच इज दिस वन तो ये एक्स डॉट वाई का इन्वर्जन हो जाएगा बेसिकली ये क्या हो जाएगा ये x डॉट वाई का इन्वर्जन तो ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा रिजल्ट तो रिजल्ट तो क्या हो जाएगा x डॉट वाई का इन्वर्जन तो रिजल्ट इज एक्स डॉट वाई का इनवर्जन एंड आई होप ये समझ में आ गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है ये कंप्लीटली आपको नहीं होगी जैसे कि में कहानी थी। में हमने लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि पहले गेट बनाते थे गेट से इनपुट देते थे फिर कुछ आउटपुट आता था और फिर कहानी होती थी तो वो था नॉर गेट नैंड गेट भी बिल्कुल नॉर जैसा ही है बट वो ये सेम थोड़ी है यहाँ पे कहानी अलग होने वाली है और कैसे

बेसिकली हमने गेट में भी कहा था कि ये जो गेट में ये है सर्कल सॉरी ट्राइंगल जो है ये बफर की तरीके से काम करता है मतलब इसको दोगे दोगे तो तो ये स्टोर स्टोर कर लेगा, X -Y तो X -Y स्टोर कर लेगा लेगा और बेसिकली जो सर्कल है ये इन्वर्जन का काम करता है इन्वर्ट करने का काम करता है वैसे यहाँ पर भी है अब बफर की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि सीधे सीधे इन्वर्ट करके हमें आगे बढ़ाना है कहानी तो मैंने जो भी इनपुट दिया नैंड से वो नैंड ऑपरेशन हुआ सर्कल से इन्वर्ट हुआ और आगे रिजल्ट आ गया तो आपको फाइनली एक्स रिप्रेजेंटेशन अच्छा आपको दिखाऊंगा तो क्या कहानी कहानी तो कहा। कहा? आपका नैंड गेट है इसमें आपने दो इनपुट दे दिए एक्स और Y. और यहां लगा दिया आपने एक सर्कल जो इन्वर्टेबिलिटी का, का काम करेगा तो ये आपको रिजल्ट में x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट दे देगा तो एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट आपको देखने को मिल रहा है वही है आपका नैंड गेट सर्कल मत भूलिएगा बट सर्कल इज इम्पोर्टेंट ठीक है तो ये हो गया गेट इसके बाद तीन इनपुट का गेट देख लो ये तीन इनपुट का नाइंड गेट है कहा नहीं वही है बिल्कुल सेम क्या देखो ये आपका क्या है गेट इसमें इसमें तीन इनपुट दे दो XYZ, XYZ, इसमें आपने सर्कल लगा दिया इन्वर्टिबिलिटी के लिए और ये मिल जाएगा एक्स वाई जेड का इन्वर्जन तो ये क्या हो गया एक्वाई जेड का इन्वर्जन आपको मिल गया कॉम्प्लीमेंट मिल गया एक्सवाइजेड का तो एक्स वाई जेड उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्लियर तो ये हो गया थ्री इनपुट नाइन गेट अब इसी के बाद नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है फोर इनपुट नाइन गेट वही कहानी बस चार इनपुट चार इनपुट का ऐसे ही अगर आप एन इनपुट बनाओ तो एन इनपुट कैसे बन जाएगा यार वही गेट बनाएंगे एक पहले यहां पे सर्कल बनाएंगे यहां पे मल्टीपल इनपुट्स बनाएंगे तो ये हो गया एक्स ये हो गया वाई ये हो गया जेड और जितने चाहे आप डालो एन इनपुट ला लो

नॉट ऑफ एंड गेट मतलब पहले क्या करो एक्स वाई पॉसिबिलिटीज देख लो तो एक्स वाई की पॉसिबिलिटीज क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो क्या क्या हो गई चार हो गई जीरो 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 लिखेंगे अभी फिर क्या करो एक्स डॉट वाई निकाल लो और फिर एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो नैंड निकालने के लिए ठीक है तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा सो एक्स वाई की पॉसिबिलिटीजीरो x dot y would give you 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू व्हाट वन 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 जीरो तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट आ गया तो जीरो 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 वन 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 जीरो आपको दे देगा अब अब हर बार ये थोड़ी करेंगे यार ये हमें नाइन गेट का ऑपरेशन निकालने के लिए कहानी थोड़ी करेंगे कि बार बार निकालेंगे हम एक बात ध्यान रखेंगे कि यार एक भी जीरो तो क्योंकि इस बार नैंड कर रहे हैं नॉर नहीं कर रहे हैं तो एक भी जीरो तो आंसर इज रिवर्स होके वन एक भी जीरो तो रिवर्स वन एक भी जीरो तो आंसर वन नहीं आएगा सॉरी जीरो वन आएगा, आएगा और अगर दोनों one, तो आंसर नहीं आएगा तो जीरो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं तो बेसिकली वही हमें करना है वही लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली एफ नहीं है रिजल्ट है आर तो लिखा हुआ है कि जीरो 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 वन वन जीरो वन वन लिखा हुआ है तो जीरो डॉट जीरो विल नॉट गिव यू जीरो इट विल गिव यू वन दिस टाइम

अब तीन इनपुट में भी वही हर अब तीन इनपुट में यार अलग अलग बनाएंगे थोड़ी कि तीन इनपुट के हिसाब से पहले तीन इनपुट का एंड निकालेंगे फिर उसको और कॉम्प्लीमेंट करेंगे नहीं बहुत लंबा काम हो जाएगा लॉजिक ध्यान रखेंगे एक भी जीरो तो आंसर इज नॉट जीरो इट्स रिवर्स इट्स वन तो ये जीरो ये जीरो मतलब इसमें एक एक जीरो दिख रहा है ना यार क्या दिख रहा है इनमें पूरे में अगर आप देखो तो एक एक जीरो देखने को मिलेगा आपको इसमें पूरे में एटलीस्ट एक एक जीरो है

तो ये था भाई मेरी तरफ से आप लोगों के के लिए गेट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या आपका गेट के अलावा नेक्स्ट और ये नए का होगा होगा बहुत इंटरेस्टिंग गेट होगा, तो नेक्स्ट उसमें वेट जरूर उसका तो मिलेगी हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम तो गूगल सॉरी गूगल को टाइप करना मैग्नेट ब्रेन या फिर आप यूआरएल पर सीधे सर्च करो लो ब्रीन डॉट कॉम है ना तो गूगल पे जब टाइप करोगे तो जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ लैंड लाइन करोगे दिस इ होम पेज ऑफ आर वेबसाइट यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसमें से आपको सीबीएसई के टू ट्वेल्व सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा क्लास पैलेट में क्लास इलेवन पे क्लिक करना है तो क्लास इलेवंथ के अंडर इस कैटेगरी में मैग्नेट बेन्नस आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोज खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोज़ खुल जाएगी किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास इसकी मदद से आप इस वीडियो पे इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा

एंड एक और चीज यार आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएगा आपको आई टीजी मिल जाएगा आपको नीट मिल जाएगा आपको सी मिल जाएगा आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे और ये सब कुछ भाई भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए बस आपको करना क्या है आपको आना है इन वीडियोस को देखना है सीखना है डाउट्स पूछना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स इन योर कॉम्पिटिट एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू जस्ट गुड मार्क्स बाकी कंटेंट तो पूरा ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो वीडियोस, दो दो चैप्टर्स देखने के बाद कुछ पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है सो so, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्लेज पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो तो हमारे साथ यानी कि मैनेटेज से जुड़ रही है बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंड गार्डन से क्लास ट्वेल्ल तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आबे हमारे साथ इस बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच